गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय अपकमिंग। आज की वीडियो में देखते हैं क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का लेसन 2, जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर, सहयात्री। इस लेसन में एक मच्छर और लेखक के बीच की कहानी लिखी गई है। लेखक रात वाली रेल से यात्रा कर रहा था। धीरे धीरे सभी यात्री उसे अकेला छोड़कर चले गए। तब एक मच्छर उसे परेशान करने आया। लेखक ने उसे मारने की चेष्टा की, किंतु वह उसे मार नहीं पाया। इस प्रकार से अनेक असफल प्रयत्नों के बाद लेखक ने अंत में मच्छर को एक मित्रवत सहयात्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तो चलिए यहां से देखते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इन टू द कैरिज, रेल के डिब्बे में प्रवेश किया, फर्स्ट मतलब पहले। मैं नहीं जानता हूं, हम में से किसने रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। इंडीड I did not know he was in the carriage at all for some time. Indeed, वास्तव में I did not know, मुझे पता भी नहीं था, he was in the carriage, कि वह रेल के डिब्बे में है, at all, बिल्कुल, for some time, कुछ समय पहले से ही। मुझे वास्तव में यह पता भी नहीं चला कि वह रेल के डिब्बे में कुछ समय पहले से ही है। It was the last train from London to a Midland town. London से Midland के एक नगर तक जाने के लिए यह last train थी, अंतिम train थी। A stopping train, एक रुक रुक कर चलने वाली train, and infinitely leisurely train. Infinitely मतलब बहुत ज्यादा, बेहद, लेजरली मतलब आलसी, बहुत ज्यादा आलसी, यानी कि बेहद आलसी रेल थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। कहते हैं कि वन ऑफ दोज ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको देते हैं एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ ऑफ इटर्निटी, मतलब अतीत की या भूतकाल की। मतलब यह हो कि यह उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंत समय का ज्ञान कराती है कि पहले के समय में कैसी ट्रेनें धीमे 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 चला करती थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह ट्रेन स्टार्ट हुई, जब यह ट्रेन चली, यह टॉलरेबली भयानक रूप से फुल मतलब भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम लोग रुकते गए एट द सब अर्बन स्टेशन, उपनगरीय, सब अर्बन मतलब उपनगरीय स्टेशन पर, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस आर टूज, यात्री उतरते गए, एलाइटेड मतलब उतरना, यात्री उतरते गए एक एक या दो दो करके, यानी कि जैसे जैसे स्टेशन पर रुकती गई, एक एक या दो दो यात्री उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंडन, करे कि जब लंदन के आउटर रिंग, बाहरी सीमा को हमने छोड़ा, या फिर जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, आई वॉज एलोन, तो मैं अकेला था, आर रेदर, या आई थॉट आई वॉज एलोन, कहते कि या फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं अकेला था। आगे देखिए, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग एलोन इन ए कैरिज। कहते हैं कि रेल के डिब्बे में अकेला होना, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक सुखद आभास, प्लीजेंट सेंस, सुखद आभास कराता है, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, उस डिब्बे में, वह उस रेल के डिब्बे में जो रात्रि के समय में
जल्टिंग झटका खाते हुए और नॉइजली शोरगुल मचाते हुए चल रही हो। पूरा इसका अर्थ समझ लेते हैं, एक ऐसे रेल के डिब्बे में जो आवाज पैदा करते हुए झटके खाते हुए रात्रि में चला जा रहा हो, अकेले होना स्वतंत्रता का आभास कराता है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्टेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज लिबर्टी, इसमें स्वतंत्रता होती है, एंड अनरेस्टेंट और बंधन विहीनता, अनरेस्टेंट बंधन विहीनता इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। एग्रीएबल फॉर्म मतलब बहुत आनंददायक रूप में मौजूद। देखिए एक बार और समझते हैं इसको, स्वतंत्रता एवं बंधन विहीनता बहुत ही आनंददायक रूप में मौजूद है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से बात कर सकते हैं, एज लाउड एज यू प्लीज, उतना तेज जितना कि आपको पसंद है। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम टिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। देखिए, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क को रख सकते हैं आउट विथ जॉन्स। जॉन्स मतलब एक काल्पनिक नाम है, जॉन यानी कि आप जॉन नामक एक काल्पनिक व्यक्ति से आप अपना तर्क रख सकते हैं या उससे बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिपेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। देखिए समझते हैं, ट्रिपेंटली मतलब विजय का अनुभव कराते हुए इन द डस्ट, उसको आप धूल में मिला सकते हैं, विदाउट फियर बिना किसी डर के। आप एक काउंटर स्ट्रोक मतलब होता है जवाबी प्रहार, बिना किसी जवाबी प्रहार के आप विजय का अनुभव करते हुए उसको धूल में मिला सकते हैं, यानी कि उससे आप जीत सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हैं, और डांस या डांस करते हैं, ए टू स्टेप मतलब एक या दो कदम आप डांस भी कर सकते हैं। आर प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ के प्रहार का स्ट्रोक, गोल्फ के प्रहार का आप अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फिर फर्श पर आप कंचे खेल सकते हैं। मार्बल मतलब जो शीशे की गोलियां होती हैं उसको कंचे बोलते हैं, तो आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी की इजाजत के। लेट मतलब अनुमति या इजाजत, बिना किसी के इजाजत के, या हिंड्रेंस मतलब बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, आप खिड़की को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, आर शट या फिर बंद कर सकते हैं, इट विदाउट बिना किसी प्रोवोकिंग मतलब उत्तेजना, ए प्रोटेस्ट मतलब विरोध, मतलब बिना किसी उत्तेजना पूर्वक विरोध के आप खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या फिर दोनों खिड़कियों को आप बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। इंडीड वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उनको लगातार खोलते रह सकते हैं, एंड शटिंग देम या फिर उनको लगातार बंद कर सकते हैं, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। सॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए, इसका मतलब यह है कि आप स्वतंत्र हो करके उसको लगातार खोले रख सकते हैं या फिर उसको बंद किए रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी भी कोने में जाकर बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, टर्न मतलब बारी बारी, या फिर आप उनको बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक कोने में आप बारी बारी से जा सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी फुल लेंथ मतलब पूरी लंबाई में लाई मतलब लेट सकते हैं ऑन द
कुशंस मतलब गद्दियों पर एंड इंजॉय द लग्जरी, आप आनंद ले सकते हैं, द लग्जरी मतलब विलासिता का, आप ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, रेगुलेशन मतलब नियम, नियमों को ब्रेकिंग मतलब तोड़ने का, एंड पॉसिबली और यथासंभव आप प्रयास कर सकते हैं, द हार्ट ऑफ डोरा हर्सेल मतलब डोरा के हृदय को तोड़ने का आप यथासंभव प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डोरा क्या है। देखिए डी का मतलब होता है डिफेंस, ओ मतलब ऑफ, आर मतलब रीम, ए मतलब एक्ट, डिफेंस ऑफ रीम एक्ट। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में लागू राज्य सुरक्षा अधिनियम, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में राज्य के सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाए गए थे। ओनली डोरा विल नॉट नो, डोरा को भी पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन कि उसका हृदय तोड़ा गया है। हृदय तोड़ने का मतलब है कि उसके नियमों का उल्लंघन किया गया है। यू कैन स्केप इवन डोरा, और आप डोरा से बच भी सकते हैं। स्केप का मतलब होता है बचना, आप डोरा से बच भी सकते हैं। माई डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन टू का पार्ट वन है और मैंने पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों वीडियोस बनाए हैं, तो जब ये खत्म हो जाए तो उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से इस लेसन को समझ लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो, जहाँ पे न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा।